जिस जगह लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, ठीक उसी जगह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कैसे पल भर में हंसते खेलते लोग की जिंदगी रोते बिलखते हुजूम में बदल गई। चौंकाने वाली ये वारदात थाईलैंड के उत्तर पूर्वी प्रांत नोंग बुआ लाम्फो के एक चाइल्ड केयर सेंटर में हुई, जिसमें 33 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 22 बच्चे भी शामिल हैं। एक और बेहद चौंकाने वाली बात ये रही कि इस घटना का आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुका है, जिसे कुछ वक्त पहले ही नौकरी से निकाला गया था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर हैरानी जताई है, साथ ही सरकारी अधिकारियों को घायलों की हर मुमकिन मदद करने का भी आदेश दिया है। वारदात के कुछ देर बाद आरोपी की तलाश के दौरान एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि आरोपी ने खुद को गोली मार ली और अपनी बीवी और बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। पूरा देश इस घटना से सन है, या ये कहें कि पूरी दुनिया में इस घटना से सनसनी मची है। बता दें, इससे पहले भी ऐसी ही एक सामूहिक गोलीबारी साल 2020 में भी हुई थी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलिंग से नाराज एक सैनिक ने 29 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसमें करीब 57 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम कट।